महाराष्ट्र में इन दिनों आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों का दौर शुरू हो गया। इस खींचतान के बाद पिछले दिनों अमित शाह ने महाराष्ट्र का दौरा कर सभी लोकसभा की 48 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने को कहा गया है। उधर शिवसेना की संभाल तीर कमान पर शिंदे गुट को कब्जा दिए जाने के बाद अब पार्टी के मुख्यालय पर कब्जे की कोशिश जारी है। इसको लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आमने सामने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा और उनके सहयोगियों को 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। शाह ने कहा कि कार्यकर्ता अभी से एकजुट हो जाएं। बता दें, ठाकरे ने 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। बीजेपी पर शिवसेना के साथ मुख्यमंत्री का पद साझा करने के अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाया था। बाद में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार का नेतृत्व किया था। पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई बगावत के बाद तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। शिंदे गुट को शिवसेना नाम और तीर कमान संभाल मिलने के बाद महाराष्ट्र में सियासत और तेज हो गई। चुनाव के फैसले के बाद उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो वहीं सीएम शिंदे ने सोमवार को चुनाव के आदेश के खिलाफ उद्धव खेमे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के मामले में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसके कुछ देर बाद शिंदे गुट के विधायकों ने महाराष्ट्र की विधानसभा बनी शिवसेना के आपस पर कब्जा कर लिया। इस बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छिन गया, लेकिन ठाकरे नाम कोई नहीं छिन सकता। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, अगर इसे रोका नहीं गया तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव हो सकता है। इसके बाद यहां तानाशाही चलेगी। इसके बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ता बीएमसी दफ्तर में एकजुट होकर बैठ गए ताकि शिंदे गुट वहां कब्जा न कर सके। उधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम शिंदे ने संजय राउत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संजय राउत पागल। मी काल स्पष्ट सांगितलं आणि मी पुन्हा रिपीट करतो की चिन्ह आणि पक्षाचं नाव यासाठी 2000 कोटीचा सौदा झाला, व्यवहार झाला, हे मी कालही सांगतो सांगितलं, आजही सांगितलं आणि निकाल लागण्याची प्रक्रिया सुरू होती आणि ज्या वेळेला स्वतः देवेंद्र फडणवीस सांगत होते निकाल आपल्याच बाजूने लागले, मिंदे गटाचे लोक सांगत होते, आम्हीच, एक केंद्रीय मंत्री सांगत होते ब्रेकिंग न्यूज आम्हीच, तेव्हाही माझ्याकडे माहिती होती की 2000 कोटी रुपयांचा व्यवहार आणि सौदा या वेळेसाठी झालेला आहे, त्याच्यामुळे न्याय आणि निर्णय यात फरक आहे। निर्णय हा प्रचंड पैशाचा वापर करून विकत घेतला गेला, हे मी आज पुन्हा या देशाच्या जनतेसमोर सांगतो। 2000 कोटी ही लहान रक्कम नाही, हे मी परत सांगतो। या संदर्भातले पुरावे काही देणार आहात? कारण की विरोधक लवकरच विरोधक पुरावेच विचार। अरे कोण विरोधक? कोण तुम्ही कोणाला विरोधक म्हणताय? आम्ही भाजपचे विरोधक, आमची लढाई मिंदे गटाशी नसून देश हुकुमशाहीकडे नेणाऱ्या यंत्रणा आपल्या पायाखाली ठेवणाऱ्या राज्यखाली ठेवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाशी आमची लढाई। संजय राउत जी अपने औकात में रहे, अभी तो कई चड्डी पहनना उन्होंने सीख लिया है, नाड़ा कभी उतरेगा पता भी नहीं चलेगा, और अपने औकात से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ना आप एक चुनाव लड़े हो ना एक चुनाव जीते हो, किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर तुम्हारा घर चल रहा है, उस व्यक्ति ने किसके ऊपर आरोप करना है सोचकर करना पड़ेगा।